देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। चोट कैसे लगी तुम्हें? कुछ नहीं, हम गिर गए थे। कैसे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। माँ बुआ जी, आप लोग प्लीज इनका ध्यान रखिएगा, हम अभी आए। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, आपसे दूर कभी नहीं जाएंगे। एक जरूरी काम है, उसे खत्म करके आते हैं। आप लोग प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, पापा, हम तो मुंबई में थे ना, यहां अचानक लखनऊ कैसे पहुंच गए? यहां घर बोलो राधा रास बिहारी बाके लाल की। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। आखिर में हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया। सच में हमारे घर की सारी खुशियां वापस लौट आई, है ना जीजी? सही कह रही हो रूपा, अब हमारे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होगा। हम भी यही कहने वाले थे। हमें तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि धानी बिटिया का चेहरा जो है एकदम खिला हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारे वचन की पूर्ति हो गई जो हमने इनके पिताजी को दिया था। देख लो धानी, तुम्हारे आते ही ना सब हमें भूल गए। कैसे भूल सकते हैं आपको? हम सब आपको ढेर सारा प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा धानी बेटा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, हम और जीजी आज शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप दोनों भी चलो ना हमारे साथ, अच्छा लगेगा, है ना? बिल्कुल, कहा तो लग जाए धक से। भाई पांडे परिवार के मर्दों की जेब से पैसा निकाल के आज सारे पांडे परिवार की औरतें शॉपिंग करने जाएंगी, तो मजा आएगा। चलो तुम दोनों भी। सुनिए जी, हम तो कहते हैं आप भी हमारे साथ चलिए ना। वैसे भी ध्रुव भी घर पे नहीं है, ये दोनों भी बाहर जा रही है, तो आप अकेले घर पे क्या करेंगे? आप चलिए हमारे साथ शॉपिंग पे, आपको भी अच्छा लगेगा।
आशी। हाँ बहना। रूपा कुछ पूछ रही है। क्या क्या पूछा रूपा जी ने? ये लो, पूछ रहे हैं क्या पूछा हमने। हम कह रहे हैं कि आप भी चलिए हमारे साथ शॉपिंग पे। नहीं रूपा जी, हम नहीं आ पाएंगे। दरअसल हमने मन्नत मांगी थी कि जब हमारे घर में खुशियां लौट आएंगी तो हम भोलेनाथ के मंदिर में जाके एक छोटी सी पूजा अर्चना करवाएंगे। वो आज हमने पंडित जी से मुहूर्त का समय लिया हुआ, तो वहीं जाना है हमें। फिर किसी दिन आएंगे आपके साथ। ठीक। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि रूपा को जब होश आएगा तो हम क्या जवाब देंगे। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और वो आपको लेकर आए। डॉक्टर साहब, जब तक हम इस बच्चे को अनाथ आश्रम भेजने की तैयारी नहीं कर लेते, तब तक आप इसे अपनी निगरानी में रखेंगे। पांडे जी, आपकी पत्नी को होश आ गया है, वो आपके और बच्चे के बारे में पूछ रही है। रूपा जी को अगर ये पता चलता कि बच्चा किसी ने चुरा लिया है, उसी वक्त वहीं मर जाती। और हम उसकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहते थे। अभिषेक हुआ कि माँ को, अपनी रूपा जी को हम तब खोना नहीं चाहते थे। हम हमेशा कहते हैं ना आपको, ये हम नहीं करते, कोई करवाता है हमसे। और जो होता है वही विधि का विधान होता है। कि हमें उस वक्त को, उस घड़ी का पालन करना पड़ा। हमने आपको रूपा की गोद में रख दिया। बस इतना खुश हुई आपको पाकर, और आपका मासूम इतना सुंदर चेहरा खिलखिलाता, आपने ऐसा मानो जैसे उसे माँ स्वीकार कर लिया हो उसी घड़ी। बस तभी हमें लगा कि हम पार लग गए। बचवा, खून के रिश्ते कोई मायने नहीं होते। जहां प्यार ना हो तो खून का रिश्ते कोई मायने नहीं होते। उसी वक्त हमने फैसला कर लिया। बाकी आपको गोद लेने की सारी कार्रवाई हमने पूरी कर दी, लेकिन जो बच्चा खो गया था उसकी तलाश हमने जारी रखी। मन में फैसला कर लिया था कि हमारे दो नहीं, तीन बचवा होगा। हम तीनों को पालेंगे, पोसेंगे, एक ही जैसा प्यार देंगे। किसी को महसूस नहीं हुआ आपको महसूस पूरा जिंदगी कि रूपा जी आपकी माँ नहीं है, हम आपका बाप नहीं हूं? महसूस होने दिया? नहीं होने देंगे। और आपको हमारे कलेजे का टुकड़ा, कोई फर्क है आप में और अभिषेक बाबू में? कभी कोई फर्क न था, न है और न रहेगा। इतना साल हमें सुराग नहीं मिला, वो अस्पताल में जो बच्चा खो गया था, अब इतने सालों बाद हमें सुराग मिला। आप वही है ना जो 24 साल पहले हमारा बच्चा लेके भागे थे? बच्चा कहाँ हमारा? ये तो बेहोश हो गया, इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। हमारा जवाब देना पड़ेगा, इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, इसे हमारे लिए जिंदा रहना पड़ेगा। हे भगवान, भोलेनाथ जी, अब क्या करें? वो आदमी हमें मिला, बूढ़ा आदमी, बीमार था, इसीलिए इस इलाके में इसी उम्मीद से आए थे कि वो बच्चा हमें मिल जाएगा।